क्लास नाइन्थ की एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने, जिसमें कह रहा है द डिस्टेंस इन किलोमीटर, डिस्टेंस दिया गया हमें किलोमीटर्स में। 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वी फाउंड एज फॉलोज। 40 इंजीनियर हैं जिनके घर रेजिडेंस मतलब जहां पर वो रहते हैं और जहां पर वो काम करते हैं उसके बीच का डिस्टेंस दिया गया है। तो हमें, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, पूरा क्वेश्चन आगे क्या है कि हमें क्लास साइज 0 से 5 का क्लास साइज लेके इनकी एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी, ठीक है। तो हमने डिस्टेंस किलोमीटर में है तो हमने ले लिया 0 से 5, 5 टू 10, 10 टू 15 और 15 टू हो जाएगा हमारा 20, 22 से 25 एंड 25 से 30 एंड 30 से 35, ठीक है। बिगेस्ट वैल्यू क्या है हमारी, वो है 31, तो वो 30 और 35 के इसमें ही आ जाएगी। हो सकता है 32 भी है, वो भी इसी में आ जाएगी, ठीक है। तो टैली मार्क्स, टैली करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे मैं टैली में लगाता जाऊंगा उसे कट करता जाऊंगा, ठीक है। और 5 जैसे हमारा फर्स्ट ईयर है 5, तो 5 किस में आएगा, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो इसमें सिर्फ वैल्यू आते हैं 0 to 4, 5 इसमें इंक्लूड नहीं होता है। इसमें क्या आएगा 5 to 9, 10 इसमें इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। 10 जो आएगा वो अगले में आएगा, ऐसे इसमें 5 जो है इसमें नहीं आएगा, वो आएगा इसमें, ठीक है। तो 5 फर्स्ट है हमारा 5, टैली ये बन गई हमारी। 3 0 से 5 में आएगा, 10 जो है हमारा इसमें नहीं आएगा, ठीक है, इसमें 10 इंक्लूड नहीं होता, 10 आएगा इसमें, ठीक है, ये हो गया हमारा 10। ऐसे ही 20 जो आएगा इसमें, 25 इसमें आ गया, 11 आएगा हमारा 10 टू 15, 13 भी आएगा हमारा 10 से 15 में, 7 आएगा हमारा 5 से 10 में, 12 10 से 15, 31 35 से 30 से 35, ठीक है। 19 आएगा हमारा 15 टू 20, 10 टू 15 हो गया हमारे 4, तो अगले पे हमारे कट, ये हो गए 5, ठीक है। 12 भी यहीं पर आएगा, 17 आ गया, 18 भी इसी में आएगा, 11 आएगा हमारा इसमें, 32 आएगा इसमें, 17 आएगा हमारा 15 टू 20, उसके बाद 16 भी आएगा हमारा 15 टू 20, तो ये भी हो गए 5, उसके बाद 2 आ जाएगा हमारा शुरू में ही, और 7 आएगा 5 टू 10 में, 9 भी आएगा हमारा 5 टू 10 में, 7 भी आएगा हमारा 5 टू 10 में, 8 भी आएगा हमारा 5 टू 10 में, 3 आएगा 0 से 5, ठीक है। ऐसे ही हमको टेबल तैयार कर लेनी, 5 ये आ गया, 12 इसमें आ जाएगा, 15 है वो इसमें आ जाएगा, 18 है वो भी इसी में आ जाएगा, 13 यही है, 3 आ जाएगा फर्स्ट, 12 आ गया इसमें, 14 भी इसी में आ गया, ये 4 हो चुके हैं तो 5 पे मैंने कट कर दिया, उसके बाद 2 ये भी 5 हो गए, 9 आ जाएगा इसमें, 6 भी इसी में, 15 आ जाएगा हमारा 15 टू 20, फिर से 15 है तो ये भी 15 टू 20, 7 आएगा हमारा इसमें 5 टू 10 में, 6 भी इसी में, एंड 12 आएगा हमारा 10 टू 15। तो कैलकुलेट कर लेते हैं जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी हुई, ये हमारी टोटल 5, ये कितनी हो गई हमारी, ये 5 प्लस में ये 5 प्लस में 1, 5 प्लस 1 हो गई ये 11। अगेन अगली हमारी है जो 10 टू 15, ये है 5 प्लस में 1, ये भी है हमारी 11। उससे अगला हमारा 5 प्लस में 4, 9, उसके बाद 1 एंड 2। टोटल काउंट कर लेते हैं, 5 प्लस में 1 6, 7, 7 प्लस में 9 16, 17, 18, 19 और 20, 20 की आ गई हमारी 0, 2 कैरी, ठीक है। तो 2 प्लस में 1 4, तो टोटल हमारे कितने 40 इंजीनियर्स, ठीक है। तो हमारी टैली जो बनी है मतलब फ्रीक्वेंसी टेबल जो बनी है वो बिल्कुल सही बनी है। और इसमें क्या क्वेश्चन है, एक
कि क्वेश्चन मैंने जैसा कि मैंने पहले ही बताया, क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं लिखा है पूरा, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हम इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को देख के हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें दो ऑब्जर्वेशन हो सकती है हमारी। फर्स्ट क्या है कि आप देखेंगे 20 से दूर दूरी पर सिर्फ चार इंजीनियर्स रहते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ए फ्यू इंजीनियर्स, ए फ्यू इंजीनियर्स लिव मोर देन 20 किलोमीटर। कुछ ही ऐसे इंजीनियर हैं जो कि 20 किलोमीटर से ज्यादा के डिस्टेंस पर रहते हैं, ठीक है। सिर्फ चार इंजीनियर्स हैं, ठीक है। तो 10% इंजीनियर हैं जो 20 किलोमीटर के डिस्टेंस से ज्यादा रहते हैं। या फिर हम इसका बिल्कुल उल्टा कर देंगे, ठीक है, कि ज्यादातर जो इंजीनियर्स हैं, ठीक है, मैनी पीपल्स ऑफ इंजीनियर्स आर लिव लेस देन 20 किलोमीटर, ठीक है। वो ज्यादातर क्या है, कम से कम 20 किलोमीटर से कम के दूरी पर ही रहते हैं अपने वर्किंग प्लेस से, ठीक है। यही हो जाएगा हमारा आंसर, मेन है हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जो हमारा ये है, जो ऑब्जर्वेशन करना है, वो हम कुछ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, कि सबसे ज्यादा कितनी दूरी पर रहते हैं, सबसे कम, जो भी आपको टेबल को देख के समझ में आता है, ठीक है।